अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ई-रिक्शा में जो ब्रेक स्विच लगा हुआ रहता है ये वाला, ये किस तरह से कनेक्शन किया हुआ रहता है। आज वही दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आता है कि सर ई-रिक्शा में जो ब्रेक स्विच है वो कैसे कनेक्शन होता है, वो हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो उस पर एक वीडियो बनाइए। तो वो लोग के कॉमेंट के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप लोगों को दिखाएंगे कि वायरिंग में किस तरह से आप इसको कनेक्शन कर सकते हो, क्योंकि वायरिंग के अंदर इसको कनेक्शन करने के लिए वायर दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसमें जोड़ना है और इसको कनेक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसको दिखाने के लिए एक बैटरी यूज़ किया मैं यहाँ पर, ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है। तो इससे ये वाला माइनस और ये वाला प्लस पॉइंट मैं जोड़ के रखा हूँ पहले ही। तो इसको हमें क्या करना है कि वायरिंग के साथ इसको पहले कनेक्शन कर लेना है। तो चलिए इसको पहले इस वायरिंग के साथ कनेक्शन कर लेते हैं। तो वायरिंग के साथ कनेक्शन करने के लिए हमको जो वायरिंग का 12 वोल्ट वाला वायर है उसके साथ इसको कनेक्शन करना है, ये वाले वायर को 12 वोल्ट के साथ कनेक्शन करना है। और जो माइनस वाला है वायरिंग में, पूरे वायरिंग में माइनस फैला हुआ रहता है, उसमें इसको कनेक्शन करना है। तो इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। अगर ये वाला वीडियो आप पूरे देख लिए तो आपको ब्रेक स्विच लगाने का दिक्कत कभी नहीं आएगा। जो ब्रेक लाइट है उसको लगाने वाला सिस्टम, कनेक्शन करने वाला सिस्टम अगर ये वाला देख लिए तो आपको दिक्कत कभी नहीं आने वाला है, अगर ये पूरा देखे तो। तो देखिए, ये जाके कन्वर्टर में लगता है ये वाला प्लग, और इसमें से 12 वोल्ट वाला है ये पीला वाला, ठीक है। तो मैं इसी में ज्वाइन कर रहा हूँ, जो हमारा बैटरी से आया है 12 वोल्ट उसको, ठीक है। तो इसमें 12 वोल्ट फैल गया। अब माइनस को मैं वायरिंग का जो माइनस पॉइंट है ये वाला, इसी में लगाने वाला हूँ। ये पीला बॉक्स में लगता है जाके, तो इसमें मैं माइनस को ज्वाइंट करने वाला हूँ। तो देखिए, मैं इसको ऐसे ही ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो इस वायरिंग में 12 वोल्ट पूरा फैल गया है, ठीक है। इस वायरिंग में हर जगह 12 वोल्ट फैल गया है अभी। तो हमको क्या करना है, आप ढूंढना है इसमें जो ब्रेक स्विच का वायर है वो कौन सा है। तो वो पीछे की साइड पे रहता है, ब्रेक स्विच का वायर कभी भी आगे की साइड पे नहीं रहेगा, वो पीछे की साइड से रहता है। तो हमको पीछे की साइड से ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आप लोगों को हमारा ब्रेक स्विच का वायर कौन सा है। तो देखिए, ब्रेक स्विच का जो वायर है, ब्रेक दबाते ही ये दो जो आपको प्लग दिख रहा है पीछे में इंडिकेटर में जाता है, उसमें से लाइट जलेगा। जब भी ब्रेक दबाओगे तो उसमें से लाइट जलता है। तो उसमें से ज़्यादातर देखिए ये पीला वाला वायर दिया हुआ रहता है, ब्रेक स्विच का जो वायर है वो पीला वाला रहता है। तो ये कहाँ से आया वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पीले वाला आया, देखिए ये जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर से ये पीला वायर के जरिए यहाँ तक आया 12 वोल्ट, ठीक है, यहाँ तक आया 12 वोल्ट। और इस वायर के जरिए, ये मट्टी कलर के वायर के जरिए ये वापस चला गया, देखिए इस वायर में, ठीक है, और एक गया इसमें। ये माइनस और प्लस 12 वोल्ट, इसमें से आप कुछ भी कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन हमको चाहिए ये वाला वायर। देखिए ये मट्टी कलर वायर आप कहाँ लगेगा, ये लगेगा जो ब्रेक स्विच है इसमें, ये वाला जो स्विच है इसके साथ ये मट्टी कलर का वायर कनेक्शन होगा। जब भी आप इस ब्रेक को दबाओगे, ब्रेक स्विच को जब भी दबाओगे, उस टाइम इस पीला वायर के जरिए, देखिए यहाँ पे जॉइंट है, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। ये पीला वायर के जरिए इसमें से दो हिस्से में बट गया, और ये दो हिस्से चला गया ये दो प्लग में, ये जो दो प्लग दिख रहा है इस दो प्लग में चला गया ये, ठीक है। आप लोगों को देख के मालूम पड़ेगा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस वायरिंग में कुछ नहीं है, आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, उसमें तो प्लग लगा हुआ रहेगा, लेकिन मैं इसको खोल दे रहा हूँ ताकि मैं जो ब्रेक स्विच है उसको लगा सकूँ इसमें, इसके लिए मैं इसको खोल दिया। आप ब्रेक स्विच को यहाँ पर कनेक्शन करना है, देखिए एक लगेगा यहाँ पे और एक लगेगा यहाँ पे। तो मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, मैं इसको इस तरह से लगा दिया ये दोनों वायर को, आपको देख के मालूम पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से लगाने से बार बार खुल जा रहा है ये, तो इसको मैं थोड़ा वायर से लपेट देता हूँ यहाँ पे, तो नहीं खुलेगा फिर। तो देखिए, यहाँ पे मैं वायर लपेट दिया,
और इस साइड का जो है ये टाइट किट से लगा हुआ है, ये लगता है नहीं खुलेगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आपको लाइट कनेक्शन करके दिखाते हैं, क्योंकि वायरिंग में तो 12 वोल्ट फैला हुआ है और यहाँ पे भी मैं स्विच का कनेक्शन कर दिया ये वाला, तो अब यहाँ पे लाइट को लगा के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इस दो वायर में। तो देखिए ये वाला दो लाइट लगाना है मुझे, तो इसका मैं पिन प्लग को खोल लिया, अब इसको डायरेक्ट घुसाना है यहाँ पे, ठीक है, इसके प्लग में घुसाना है डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं एक को कनेक्शन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, एक कनेक्शन कर लिया एक लाइट को, तो दूसरा लाइट को भी कर लेते हैं कनेक्शन, जो दूसरा और एक प्लग है इसके साथ। तो देखिए इसको भी मैं कनेक्शन कर लिया, देखिए इसका जो माइनस में माइनस और जो पीला वाला है उसमें प्लस को दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इस स्विच का काम कैसे करता है ये स्विच, ठीक है। तो देखिए ये वाला स्विच है और इसका प्लग ये है, ठीक है, तो मैं स्विच का काम भी दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप का रहता है, ठीक है, ऐसे इसी तरह से एक स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ रहता है और ब्रेक पेडल के साथ ये स्प्रिंग कनेक्ट रहता है। जब भी हम ब्रेक पेडल जो है उसको दबाते हैं तो ये क्या करता है, इसी तरह से ये खींचता है, देखिए इस तरह से खींचता है और ये जो लाइट है वो जलने लगता है। तो देखिए मैं खींच रहा हूँ और ये लाइट जल रहा है, ठीक है, तो देखिए जब भी मैं खींच रहा हूँ इसको तो ये लाइट जल रहा है। इसी तरह से हमारा होता है जो ब्रेक लाइट है उसका कनेक्शन और इस स्विच का कनेक्शन। इस स्विच में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल इसमें जब भी इसको हम खींचते हैं तो ये दोनों वायर को आपस में टच करा देता है और जो लाइट है वो जलने लगता है। तो देखिए इसी तरह से कनेक्शन होता है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं पर्सनली जो आपका अभी तो वायरिंग में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस वायरिंग में अगर आप लोग इससे समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं सिंगल वायर लेके इसका कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाएंगे ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। अभी इसमें समझ जाना, इसमें मैं जिस तरह से दिखाया ऐसे भी समझ जाना चाहिए, अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।